लोगों ने इतनी अति कर रखी है कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इतनी जोर जोर से अजान होती है कि पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और इनका नियम है, जिस समय अजान होगी तो भाई साहब हम लोग शंख भी नहीं बजा सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक के। लेकिन इनकी जो जिद है, जो इनकी जदो एक तरीके से हदें पार कर रहे हैं ये, कि इनका अल्लाह ताला क्या बिना माइक के सुनता नहीं है क्या? मेरा कहना यही है, आदरणीय सम्माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश जारी किया है प्रशासन से, मैं मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं फिर चेतावनी दे रही हूँ प्रशासन के लिए, वो सही रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का पालन करें और मस्जिदों पर जितने लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उन्हें उतरवाए जाए। ये जिस तरीके का वातावरण दूषित होता है, आप पनवरीगंज में देखिए क्या हाल है, सुबह के टाइम झन्नाटा हो जाता है, झन्नाटा एक तरीके से शांत वातावरण, अजानी अजान अजानी अजान। दिल्ली गेट चौराहे पे देखिए, ऊपर कोर्ट पे देखिए क्या वातावरण हो जाता है कि लोग एक दूसरे की बातें भी नहीं सुन पाते हैं। मैं मांग करती हूँ प्रशासन से कि अगर अलीगढ़ की फिजा को सही रखना चाहते हैं तो ये लाडू स्पीकरों को उतरवा दिया जाए। उत्तर प्रदेश आप सबका है, हमारा है, भारत भी हमारा है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए नियमों का जो आदेश हुआ है उसका आप सख्ती से पालन करें, अन्यथा इसका नाम अलीगढ़ है, समझ लें अच्छी तरह। भाई शकुंतला भारती जी कोई ना कोई रोजाना ऐसा नुकता निकाल लेती हैं जिससे वो लगता है कि उनके दिल को सारा सुकून हो जाता है उस तरह की बातें करने से। मैं नहीं समझता कि अलीगढ़ में कोई अजानों से या घंटों से या घंटियों से या मंदिरों की लाउड स्पीकर या मस्जिद की अजानों से कहीं कोई फर्क पड़ता है। सब लोग बड़े उम्दा तरीके से अच्छे माहौल में रह रहे हैं। ये शकुंतला भारती जी के दिमाग की अपनी उपज है और ये मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब न मैं उन्हें मेयर का टिकट मिलेगा, न MLA का मिलेगा, न MP का मिलेगा, बिला वजह इन चक्करों में क्यों पड़ रही है। अपने सुकून से रहें और सुकून से जिंदगी गुजारें और बिला वजह माहौल खराब न करें। अजान के समय हम पूजा भी कर सकते हैं, शंख भी बजा सकते हैं। भारत के लोगों का एक दूसरे धर्म के प्रति जो सम्मान है, उस सम्मान के तहत अक्सर ये होता है कि कहीं राजनीतिक भाषण हो रहा है और उस समय अजान होना चालू हो जाती है, तो हम उनके धर्म के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उस समय के लिए रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हिंदू और मुस्लिम एक साथ रस्ते में मंदिर जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, उधर उनके अजान होती है, उधर हमारे घंटा बजते हैं, शंख बजते हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। ये सब कहना उनका बिल्कुल बकवास है और गलत तरीके की बयानबाजी करने की वो आदतन, मैं तो उनको कहूंगा वो आदतन इस बात की अपराधी है कि गलत तरीके से वो अपनी बयानबाजी करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये प्रशासन देखेगा और मुझे ये इतना पता है कि जो अलीगढ़ में मस्जिद में स्पीकर लगे हुए हैं वो प्रशासन ने जिस हिसाब से उन्हें वेरीफाइड किए हैं वही लगे हुए हैं। वो लोग हैं जिन लोगों को अलीगढ़ से मोहब्बत नहीं है, ये लोग सिर्फ अलीगढ़ को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इनको अलीगढ़ के गंगा जमुना तहजीब से कोई मतलब नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये शकुंतला भारती बोल रही हैं, ये टुच्ची और ओछी हरकतें कर रही हैं, ये अपने आप को टाइमलाइन में लाना चाह रही हैं, क्योंकि अलीगढ़ की आवाम और इनके बीजेपी के पार्टी के लोग ही ने पूछ नहीं रहे। वो चाह रही हैं कि मुझे कहीं ये लोग लिफ्ट दें, मुझे स्टेजेस पे बिठाया जाए और मेरी थोड़ी बहुत पूछ हो, तो ये इसलिए बौखला रही हैं। इनका दिमागी संतुलन थोड़ा खराब हो चुका है। मेरा ये मशवरा है कि बीजेपी के लोग उनका इलाज कराएं और उनकी सबसे पहले सेहत और मेंटली डिस्टरबेंस जो उनका खराब हुआ है उसके लिए दुआ करें और उनके लिए दवा सही वक्त पर पहुंचाएं। इनको अजान से आपत्ति क्यों हो रही है, मस्जिद से आपत्ति क्यों हो रही है? क्या आजादी के बाद से लेकर 2023 तक अभी तक अजानें हिंदुस्तान में नहीं हो रही थी या मस्जिद में पहले से माइक नहीं लगे हुए हैं? किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और अलीगढ़ प्रशासन इस पे खुद इनको रिएक्शन लेना चाहिए था, ऐसे अनाप शनाप बयान क्यों देती है? क्या कंट्रोवर्सी की जरूरत है? क्यों किसी मजहब को टारगेट करती फिरती रहती हैं? इसके पीछे तो मुझे लॉजिक एक लगती है, क्योंकि सियासी फायदा कहीं ना कहीं ये ढूंढती नजर आती हैं, जो आजकल यूपी के अंदर एक रुझान बन चुका है कि आप कंट्रोवर्शियल बयान दीजिए उसके बाद मीडिया में छा जाइए। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अलीगढ़ जो प्रशासन है
इन सब ऐसे अनाप शनाप बयान देने वालों को FIR करे और इनको रोके, ये माहौल खराब करते हैं। तो ये सबसे पहली जो जरूरत है। और बाकी मजहब के एतबार से भी, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है या दीगर मजाहब के लोग और भी जगहों पे माइक लगे होते, उससे कोई किसी को आपत्ति नहीं है। मैं तो देखा हूँ DJ पे यहाँ तो पूरा पूरा 24 घंटे भी बजते रहते, जो भजन बजते रहते हैं। कोई मुसलमान आज तक कभी नहीं कोई कहा कि इसको रोक दिया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संसद न्यू संसद भवन का जब उद्घाटन होता है तो वहाँ कुरान की आयत पढ़वाते हैं, जिससे ये मैसेज देश में जाता है कि ये देश सभी का देश है और सभी लोग यहाँ पे सम्मान के साथ रहते हैं। ये मैसेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। इस तरीके से बयान जैसे यहाँ पे शकुंतला भारती दे रही हैं, इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है और हमेशा हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम करती रही हैं। मैंने उनका बयान सुना और उनका जो बयान है हमेशा तोड़ने वाला बयान होता है, समाज को तोड़ने वाला बयान होता है। जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर है वो सरकार और कोर्ट के आदेश से जो निर्धारित वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से बज रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि शहर का माहौल अगर वो ख़राब करने की बात करते हैं, तो मैं और मेरी बहुजन समाज पार्टी संविधान में और कानून व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको और तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ महानगर क्षेत्र में गुंडई किसी की नहीं चलेगी। कोई आदमी अगर गुंडागर्दी से इस तरह के कामों को करेगा तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन